हेलो एवरीवन, रजनी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं वीडियो बना रही हूँ। हमारा टॉपिक है कि अगर आप भी नेगेटिव एनर्जी से परेशान हैं तो क्या आप ठीक हो जाएंगे, ये नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाएगी, यूनिवर्स बताइए। ये रीडिंग कलेक्टिव और टाइमलेस है, मेल फीमेल सबके लिए है। आप जब देखेंगे वहीं से रेजोनेट करेगा, ये टाइमलेस भी है। आजकल निगेटिविटी से बहुत लोग परेशान होते हैं। मेरे रीडिंग में तो डेविल ऐसा आता है ना, घूम घूम कर आता है। इसीलिए मैंने प्राणिक हीलिंग का भी वीडियो बनाकर मैं डाली हूँ, आप उसको देखो। कल की लाइव में भी मैंने शॉर्ट में बताया है और मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अगर आपको भी अपनी ऑरा की क्लीनिंग करवानी है प्राणिक हीलिंग के द्वारा तो निश्चित करवाइए। मेरा व्हाट्सअप नंबर 7668702542 है। हाफ़ एन आवर का मैं 1000 लेती हूँ और 1 आवर का मैं 2000 लेती हूँ। 3 दिन में ऑरा की क्लीनिंग हो जाती है। बाकी लॉन्ग लाइफ आपको करना है, 21 डेज कंटिन्यू करना है, 1 दिन भी छोड़ना नहीं है। उसके बाद 21 डेज के बाद आप हफ्ते में 2-3 दिन भी कर लोगे तो चलेगा, लेकिन रोज़ करो। अगर टाइम नहीं है तो मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये जो एनर्जी आप क्लीन कर चार्ज करोगे ना, ये सिर्फ 24 आवर्स तक ही आपके साथ रहेगा। तो इसलिए पर डे कीजिए, लेकिन 21 डेज में 1 दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। 21 डेज के बाद 1-2 दिन हो भी जाए मजबूरी बस तो कोई बात नहीं है। तो निश्चित आप भी निगेटिव एनर्जी से परेशान हैं तो प्राणिक हीलिंग के द्वारा अपनी ऑरा की क्लीनिंग ज़रूर करवाएं। चलिए देखते हैं। द लवर्स एंजल ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बट निगेटिव एनर्जी की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। 2 पॉइंट पर जगलर इतनी दूरी आ गई है कि ये दूरी 2 साल तक कम ही नहीं हो सकती। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपकी लाइफ में आ गई है निगेटिव एनर्जी की वजह से। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी आप लोग लड़े झगड़े हैं इस निगेटिविटी की वजह से। द मून थर्ड पार्टी 100% है। 2 ऑफ पेंटिकल्स द मून सब यही बात बता रहा है। कन्फ्यूजन 2 पॉइंट, ये सही है कि ये सही है, इसको चुने कि इसको चुने। मून का उदास होना कहीं से भी अच्छा नहीं है। 8 ऑफ कप, 8 नंबर शनि का कार्ड है। काफ़ी प्यार में धोखा मिला और अब आप आगे बढ़ना चाहते हो। यूनिवर्स द लवर्स का कार्ड क्यों आया है रीडिंग में? 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 नंबर शनि का कार्ड है। शनि की दशा चल रही है आप लोगों के ऊपर, इसी वजह से ये दूरियां आई। निगेटिव एनर्जी भी लोग तभी करते हैं जब हमारे ग्रह नक्षत्र कमज़ोर होते हैं, हमारा ऑरा फील्ड कमज़ोर होता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स को 2 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लियर किया। प्यार और इमोशन में ब्लॉकेज, तो अब अफसोस और पश्चाताप सोच रहे हैं वो आपके बारे में थर्ड पार्टी रखकर। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इनकी रीडिंग में। द टावर, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इतना लड़े झगड़े आप लोग कि 5 ऑफ वॉन्ड्स को द टावर ने क्लियर किया। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। द मून मेजर अरकाना का कार्ड, यूनिवर्स कहते हैं बैलेंस और संतुलन बना कर रखो। 2 में से 1 को चुनो फिर तुम्हारी लाइफ में खुशियां आएंगी। 9 वीक से 9 मंथ के अंदर
एंजल ब्लेसिंग दे रहे हैं। एट ऑफ कप का कार्ड, आठ नंबर के दो कार्ड आ गए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, अब इसको पकड़े कि उसको छोड़े। एक पकड़ते हैं तो दूसरा छूटता है, द वर्ल्ड। अब थर्ड पार्टी के साथ आपका कार्मिक सर्कल पूरा हो गया है। न्यू बिगनिंग, नए जीवन की शुरुआत। और लौट कर आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, आपके लवर्स आपके आपके तरफ ही आएंगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, इसलिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो पूरी वीडियो देखें, पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं सजेशन देना तो वो भी दे सकते हैं। किस तरह का वीडियो देखना आप पसंद करते हैं आप ये भी बता सकते हैं। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी मुझे लाइव भी आना है। बाय बाय।